अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत है? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला सब के ऊपर अपनी रहमत करम फजल करें। मौला मंत्र पाक के सदके आज हम बना रहे हैं चिकन मलाई बोटी। कैसे बनती है आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। गाइस, आज आपको मैं बताने जा रही हूँ मलाई बोटी कढ़ाई कैसे बनती है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लिए 7 अदद हरी मिर्च, ये मैंने लिए अदरक 3 से 4 इंच, लहसुन का 1 पल्ब, ये पूरा गुट्ठा जिसे बोलते हैं, और मैंने लिए 3 से 4 प्याज। ये मैंने पानी में भुगोने रख दिए थे, अब मैं इनको करूँगी फ्राई। इधर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, अब मैं इसमें डालूँगी वो जो अदरक प्याज लहसुन और हरी मिर्चें। ये देखें ये मैं कर रही हूँ फ्राई, आप भी देख रहे होंगे कि मैंने इतने इतने मोटे क्यों रखे इनको। मैं अदरक को भी, ये देखें अदरक और लहसुन हरी मिर्च प्याज ये सबको मैं एक दफ़ा फ्राई करके फिर इसको फाइन ग्राइंड करूँगी। ये मैं बहुत आसान तरीका आपको चिकन मलाई बोटी कढ़ाई का बता रही हूँ, जो बहुत ही आसान है, आप ज़रूर ट्राई किया करें घर। ये बड़े मज़े की बनती है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनेगी, आप खुद देखेंगे। ये सारी चीज़ें कर लूँगी मैं फ्राई। ये देखें कितनी खुशबू आ रही है, मिर्चें भी फ्राई हो जाएंगी, इनका भी जायका चेंज हो, फ्राई करने से चेंज हो जाएगा। वो मैंने आपको जो पहले बताया था प्याज ग्राइंड फ्राई करके ग्राइंड करना, वो थी मेरी वाइट कढ़ाई, ये है मलाई बोटी कढ़ाई, ये ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें ये देखिए अदरक भी फ्राई हो रहा है, बहुत मज़े की बनती है ये कढ़ाई। मैंने कहा चले आज ये बनाते हैं, माशाल्लाह 7वां रोज़ा है, कल 8वां रोज़ा है, पहला हिस्सा ख़त्म होने पे आ गया है। अल्लाह ताला अपनी रहमत करे हम सब पे, अपना करम करे, फजल करे, अल्लाह ताला हमारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। मैंने जितना फ्राई करना था मैंने कर लिया, ये देखिए हरी मिर्च का कलर चेंज हो गया। आप यकीन करें मेरे पास होते आपको इतनी अच्छी खुशबू आनी थी ना, ये सारी चीज़ें फ्राई की हैं जो मैंने। तो अब मैं इसको करूँगी फाइन ग्राइंड। ये मैंने जैसे बताया था, मैंने जो प्याज वो मटेरियल निकाला था उसमें मैं अब चिकन फ्राई करूँगी। चिकन है ये देखें, चिकन भी मेरा तकरीबन फ्राई हो गया है। ये देखें अब मैं इसमें डालूंगी वो पेस्ट जो मैंने ग्राइंड किया था, ताकि वो भी साथ भुन जाए। ये देखें अभी इसका कलर दूधिया दूधिया है ना, सही तरह से जब मैं वो डालूंगी फिर वो भी अच्छी तरह भुन जाएगा। ये देखें अब लहसुन का पेस्ट, मैंने कलेजी कुछ भी नहीं निकाला, जैसे कोई मुर्गी लेकर लेके आए थे मैंने वैसे डाली है, आप भी ना कुछ निकालिएगा, सारे बच्चे कोई ना कोई चीज जरूर शौक से खाते हैं। ये देखिए अच्छी से फ्राई हो रही है, इसकी खुशबू चेक करें माशाल्लाह, क्योंकि इसमें स्पाइसेस डालेंगे। ये देखिए आपको नजर आ रही है, ये देखें ये अच्छी तरह से भुन रही है, हर चीज़ मैंने अच्छी तरह से पका ली है। एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करनी है, आपको फिर मैं मिट्टी के बर्तन में मखनी हांडी बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत मज़े की और आसान रेसिपी है। इसमें हाफ टेबल स्पून नमक, आप अपने हाफ काली मिर्च पाउडर, एक चुटकी सिर्फ ये फ्लैक्स चिली फ्लैक्स, सिर्फ एक चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं। ये 1/2 चम्मच सूखा धनिया,
ये मैंने लिए सब्ज़ इलायची, ये तो आपने लाजमी डालनी है इसकी खुशबू और इसकी खूबसूरती के लिए। रोस्ट किया हुआ सफ़ेद ज़ीरा, मैंने सूखा धनिया भी रोस्ट किया डाला है, आपने भी वैसे ही डालना है जैसे मैंने आपको बताया, कोई चीज़ ऐसी मिस नहीं करनी है आपने। ये मैं डालने लगी हूँ तकरीबन 1.5 चम्मच मायोनीज का, ये डालने लगी हूँ पूरा 1 पैकेट क्रीम का, आप देखते जाएं, अच्छी क्वालिटी की क्रीम इस्तेमाल करनी है। इनको करने लगी हूँ मैं मिक्स, ये देखें माशाल्लाह, ऑयल छोड़ दी है कढ़ाई ने अपनी, माशाल्लाह अच्छे से भुन रही है। अब मैं इसमें डालूंगी मलाई, जिस वजह से इसको बोलती है मलाई कढ़ाई बोटी, वो मैं अब मैं डालूंगी। ये मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ मलाई और इसका मलाई वाला थोड़ा सा साथ दूध, ये इसलिए मैंने किए इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी और एक टेस्टी फुल मज़े की आपकी मलाई बोटी कढ़ाई तैयार है। ये देखें अब मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी, ये देखें मैंने जूलियन में प्याज अदरक और हरी मिर्चें, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त कढ़ाई बन के तैयार है, ये देखिए, ये देखिए प्याज, ये सॉरी हाशिम भाई मुझे पहले ही बोल रहा है मम्मा आपने प्याज बोल दिया, कोई बात नहीं भूल जाती है मम्मा, भूल भी जो जाती है। ये देखिए मैंने जूलियन में प्याज अदरक हरी मिर्चें और धनिया, जिस हांडी में धनिया ना हो मेरी अम्मी कहती हैं कि उस हांडी में रौनक नहीं है, वो आप पे डिपेंड है आपने डालना कि नहीं डालना। ये मेरी बिल्कुल तैयार है मलाई चिकन बोटी कढ़ाई। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो अगले दिन के साथ आएंगे, आपने एक दफ़ा ज़रूर चेक करना है। देखें इसकी खूबसूरती, इसकी तनीर देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि ये कैसी बनी है। ये है बिल्कुल रेडी, ये देखें ये रेडी है, ये देखें इसका इसका लेग का पीस देखें, देखें माशाल्लाह। ओके खुदा हाफिज़, बाय बाय।